उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड 19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदाय सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। 2025 में जब ये हमारा राज्य, जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो नंबर वन का उत्तराखंड हो। 19-20 के ढेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हम। हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है, इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानंद छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर वन, मेरा उत्तराखंड हो नंबर वन। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर वन, उत्तराखंड हो नंबर वन। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित करके, हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए हैं, अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर वन, उत्तराखंड हो नंबर वन। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सभिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 15 घंटे 42 मिनट चला विधानसभा सत्र, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आखिरी सत्र में 9 विधेयक हुए पारित। सत्ता पक्ष ने बुनाया मौका, विपक्ष भी दिखा हावी। आजादी के अमृत महोत्सव पर सदन में चर्चा की शुरुआत कर उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य। सत्ता और विपक्ष ने दिए कई सुझाव। बीजेपी की राह पर कांग्रेस, 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी की रैली से पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम की कांग्रेस करेगी शुरुआत। और आंदोलन खत्म होने पर उत्तराखंड लौटे किसानों का स्वागत। 1 साल से कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिल्ली में चल रहा था आंदोलन। हेडलाइंस
हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 3 दिवसीय आखिरी सत्र 15 घंटे 42 मिनट तक चला। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद मीडिया से मुखातिब विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि सत्र को चुनावी दृष्टि से भुनाने में सत्ता पक्ष ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम निरसन विधेयक को जनभावनाओं का सम्मान करार दिया। इसके साथ ही 9 विधेयक पारित कराए और सरकार की तमाम उपलब्धियों का बखान भी किया। वहीं सदन के भीतर कई मुद्दों पर विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आया। देखिए आज अपने इस कार्यकाल का तो मैं कह सकता हूँ ये अंतिम विधानसभा सत्र का अंतिम दिन और अंतिम चुनाव बहुत सुंदर ये सत्र संपन्न हुआ। वैसे तो आप जानते हैं, सब लोग साक्षी हैं कि अभी तक जितने भी सत्र हमारे यहाँ संपन्न हुए हैं इस कार्यकाल के बहुत अच्छे संपन्न हुए हैं। तभी मैं कह सकता हूँ कि 70 जो अधिवेशन हुए उसमें से 27 बार सभी प्रश्नों के उत्तर उत्तरित हुए। ये दर्शाता है कि हमारी विधानसभा में ये बहुत फ्रूटफुल हमारी विधानसभा का ये सत्र। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आजादी के अमृत महोत्सव पर हुई चर्चा में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने आजादी के बाद गढ़े गए कीर्तिमान पर अपने अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां सदन में आजादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा की शुरुआत की गई है। कृषि कानूनों का दिल्ली में 1 साल से चल रहे आंदोलन खत्म होने के बाद उत्तराखंड लौट रहे किसानों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। किसानों की घर वापसी पर उत्तराखंड नॉर्थर्न बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। भारी संख्या में बॉर्डर पहुंचे किसानों ने रुड़की के नॉर्थर्न बॉर्डर से विजय यात्रा निकाली। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और जीत आखिरकार किसानों की हुई। दिन उसकी हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। इतनी खुशी का दिन हमारे लिए, एक ऐसी लड़ाई हमने जीती, हमने आजादी की लड़ाई नहीं देखी, पर हमें ऐसा लग रहा है आजादी की लड़ाई हो सकता है इससे आसान हो, उससे यह बड़ी जीत है आज किसानों की, और उससे बड़ी आज हम जीत मारने, इससे ज्यादा खुशी का अवसर हमारे लिए किसान भाइयों के हो नहीं सकते। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है। कांग्रेस भी उसी तर्ज पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम करने जा रही है। इसकी शुरुआत 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली से होगी। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आयोजित बैठक में राहुल गांधी की रैली को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। कांग्रेस ने इस मौके पर जीत का दावा भी किया। अब देखिए जवाब तो मन बना लिया जनता ने, जवाब देने का जनता जवाब देगी। 2022 के चुनाव में सबको स्पष्ट हो चुका है कि कोई रैली कर लें, महारैली कर लें, परिवर्तन रैली कर लें, बदलाव लाने की बात कहें, बदलाव आ चुका है और 2022 में सब कुछ स्थिति साफ हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। और मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से सरकार को हटाने का, इस प्रदेश की महान जनता ने संकल्प ले लिया है, मन बना लिया है, और कांग्रेस के निश्चित रूप से 2022 में सरकार बनाने की ये संकल्प भी है और जनता ने मन बना। 16 दिसंबर को राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों में इन दिनों कांग्रेस जी जान से जुटी है। कोशिश यही है कि हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उमड़ी भीड़ से ज्यादा जनता की आमद जुटाने का पार्टी ने लक्ष्य रखा है। इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारियां भी तय कर दी है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रहे चुनावी मौसम में सियासत के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में देहरादून में जुटी भीड़ का जवाब देने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। 16 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सब कुछ ठीक वैसा ही रहेगा जैसे बीजेपी की रैली में देखने को मिला। बस फर्क इतना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह उस दिन मैदान में राहुल गांधी कांग्रेस के लिए चुनावी हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। राहुल गांधी की चुनावी जनसभा में उत्तराखंड के लोक संस्कृति के रंग भी दिखाई देंगे, तो रैली में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस ने सभी पदाधिकारियों टिकट दावेदारों को भीड़ जुटाने का लक्ष्य सौंप दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट को सभी व्यवस्थाओं की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी की वरिष्ठ महिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो पारंपरिक वेशभूषा में ही अपनी टीम साथ लाएं।
इस पर गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने अपनी सहमति जताई है। राहुल गांधी की उत्तराखंड में चुनावी रैली और जनसभा दोनों को सफल बनाने के कांग्रेस दावे तो खूब कर रही है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए पदाधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी भी दे दी गई है। वहीं टिकट की मांग कर रहे दावेदारों के लिए भी ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इन सबके बीच खास ये भी रहने वाला है कि उत्तराखंड आ रहे राहुल गांधी प्रदेश की आवाम के लिए क्या कुछ खास अपने संबोधन में रखेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रैली की छोड़ी छाप को लोगों के जहन से हटाने में कामयाब होंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में अलग अलग केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं की समीक्षा की है उनमें अटल आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, स्वामित्व योजना शामिल रही। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाए जाने पर जोर देने के साथ इस बात के निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ अन्य खबरों की। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कई सवाल उठाए हैं। आप प्रवक्ता नवीन पिशाली की पिशाली ने खनन के वाहनों को छुड़ाने के लिए सीएम के जनसंपर्क अधिकारी की चिट्ठी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम के इस आदेश से सिद्ध हो गया कि राज्य सरकार खनन प्रेमी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जनहित मुद्दों को छोड़कर खनन के ओवरलोडेड ट्रक को छुड़वाने में व्यस्त है। जनता जहां आज मुख्यमंत्री धामी जी को ये कह रही है कि महंगाई पर कुछ कर धामी, शिक्षा पर कुछ कर धामी, स्वास्थ्य पर कुछ कर धामी, बेरोजगारी पर कुछ कर धामी, वहीं आज वो जो पुश करके भारतीय जनता पार्टी जिनको आगे कर रही है वो पुश कर धामी ये काम कर रहे हैं, माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये चिट्ठी कोई सामान्य चिट्ठी नहीं है, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक संगीन अपराध है, ये संगीन घटना है जिसका संज्ञान लिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यह चिट्ठी सीधे जनता की अदालत में जाएगी जहां पर जनता इसका इंसाफ करेगी। उधम सिंह नगर में पिछले कई दिनों से एनएचएम कर्मचारी अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। आपको बता दें कि कर्मचारी हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे की मांग के साथ आउटसोर्स भर्ती को भी बंद करने की मांग पर अड़े हैं। दिनांक 7 तारीख से हम लोग हड़ताल पर रहे हैं और दो सूत्री मांगे हमारी जो हैं वो ये हैं कि हरियाणा की तर्ज पे, हरियाणा राज्य की तर्ज पे जो है ग्रेड पे उसको आप लागू करो, और दूसरा आउटसोर्सिंग एक व्यवस्था है जो ठेकेदारी प्रथा है इसको आप बंद करके इसको इनको एनएचएम में समायोजित किया जाए और उनको भी जो है ग्रेड पे के अनुसार वेतन दिया जाए। हम कल तक जो है आधी हम हड़ताल पर थे और कल से उसके बाद हमारा जो है आपातकालीन सेवाएँ भी पूर्णतः ठप कर दी गई हैं और हम लोग पूर्णतः हड़ताल पर अब चले गए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं हम लोग हमारा आंदोलन और उग्र कर दिया जाएगा। वहीं रुद्रपुर में एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि एनएचएम कर्मचारी 7 दिसंबर से अपनी दो सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हैं। कोरोना टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन पर भी हड़ताल का असर दिखने लगा है। हाँ, प्रभाव तो जरूर पड़ा क्योंकि हम लोग वैसे भी ओमिक्रॉन की तीसरी लहर संभावित लहर की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने सैंपलिंग बढ़ा दी है बॉर्डर्स वगैरह में और वैक्सीनेशन में भी इन लोग का सहयोग रहता है तो प्रभावित तो हो ही रहा है। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि इनकी समस्या का जल्दी समाधान हो जाए, ये लोग काम पे वापस आ जाए, यही रिक्वेस्ट करने के लिए मैं अभी आई हुई थी, यहाँ इनसे वार्ता कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नज़र हेडलाइंस पर। नमस्कार। 15 घंटे 42 मिनट चला विधानसभा सत्र, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आखिरी सत्र में 9 विधेयक हुए पारित। सत्ता पक्ष ने बुनाया मौका, विपक्ष भी दिखा हावी। आजादी के अमृत महोत्सव पर सदन में चर्चा की शुरुआत कर उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य। सत्ता और विपक्ष ने दिए कई सुझाव। बीजेपी की राह पर कांग्रेस। 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी की रैली से पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम की कांग्रेस करेगी शुरुआत। और आंदोलन खत्म होने पर उत्तराखंड लौटे किसानों का स्वागत। 1 साल से कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिल्ली में चल रहा था आंदोलन। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा।
पर पापा ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले, चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले, जब सेवा का पूरा लाभ मिले चेहरे पे तब मुस्कान खिले, हर जन सुविधा मिले थी जहाँ जनता पूरा भाग, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का, 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है, विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हो सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड।